वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारी एक दर्शक है बिंदिया बॉम्बे से, इन्होंने लिखा है कि मेरे घर में कॉकरोच बहुत हो गए हैं और मेरा बेटा छोटा है, इसलिए मैं किसी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकती और इवन पेस्ट कंट्रोल भी नहीं करवा सकती, तो अगर कोई घरेलू उपाय हो तो ये आप बता दें। देखिए बिंदिया जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कॉकरोच कहाँ रहते हैं। कॉकरोच रहते हैं डेड प्लेस, डार्क प्लेस और डर्टी प्लेस पे। तो आपको इस चीज़ की का ध्यान रखना है कि आपके घर का कोई भी कोना उसमें मॉइस्चर ना हो, डार्क जो रहता है, अगर डार्क है तो वहाँ पे अच्छी तरह से आप सफाई रखें। और डर्टी चीज़ें, गंदगी में ही कॉकरोच रहना पसंद करते हैं, तो गंदगी जैसे डस्टबिन है घर पे ना रखें, घर के बाहर रखें। उपाय है, बहुत आसान उपाय है। आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप कुछ पेस्ट कंट्रोल वगैरह नहीं करना चाहती हैं, स्प्रे नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एकदम घरेलू उपाय बता देता हूँ। बेकिंग सोडा हर घर में होता है, बेकिंग सोडा लीजिए और शुगर का पाउडर लीजिए, शुगर को पीस लीजिए, इक्वल क्वांटिटी में दोनों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके जहाँ जहाँ से कॉकरोच आने की संभावना रहती है वहाँ वहाँ पर इसको आप पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, या आप शुगर को घोल लें और घोल कर उसमें इक्वल क्वांटिटी में बेकिंग सोडा मिलाकर एक लिक्विड जैसा बनाकर छोटी छोटी कटोरियों में वो लिक्विड रख दें। अब क्या होता है, शुगर कॉकरोच को अट्रैक्ट करती है तो कॉकरोच आएंगे और वो शुगर को खाने लगेंगे और ये जो बेकिंग सोडा है ये कॉकरोच को किल कर देता है। तो आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के आप कॉकरोच को भगा सकती हैं। एक तरीका और भी बता देता हूँ मैं, तेज पत्ते की, अगर तेज स्मेल वाला तेज पत्ता हो तो खासतौर पर जो आपके किचन की ड्रॉर्स वगैरह होती हैं वहाँ पर अगर उसको थोड़ा सा क्रश करके आप रखें तो उसकी स्मेल से भी कॉकरोच भागते हैं। एक और बढ़िया घरेलू उपाय है, एक प्याज ले लें आप और एक पूरा गट्ठा लहसुन का ले लें और इसमें एक चम्मच काली मिर्च मिलाएं और इसको ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट जैसा बना लें। अब इस पेस्ट में आप लगभग 200 ml पानी मिलाकर और इसको एक घंटे के लिए आप छोड़ दें। एक घंटे के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक चम्मच के करीब आप लिक्विड सोप जो होता है जिससे हम हाथ वगैरह धोते हैं वो लिक्विड सोप मिलाकर किसी स्प्रे वाली बॉटल में भर के अच्छी तरह से जहाँ जहाँ कॉकरोच आने की संभावना रहती है वहाँ पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये जो लिक्विड होता है इससे भी कॉकरोच भाग जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर को थोड़ा सा क्लीन रखें और ये बेकिंग सोडा वाला भी अगर आप कर लेंगे तो आपके घर से कॉकरोच भाग जाएंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के, आपके बच्चे पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाना आसान सा उपाय, बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें।